नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मोदी सरकार ने जनरल में जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको 10% आरक्षण देने की घोषणा की कर चुका है। और आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियों में आपको ये रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो गया है। अब कुछ दिनों में यह स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियों में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और गुजरात पहला ऐसा स्टेट है जहां पर EWS स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा UP में भी EWS लागू हो गया है और गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पीयूष गोयल ने भी बोला है कि रेलवे की जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसमें आपको ये रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों रेलवे में लगभग 1.5 लाख वैकेंसियां हैं। इसके अलावा SSC, GD, JEE और CGL की वैकेंसियां भी हैं, यहां पर आपको 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या पत्र लगेंगे। ठीक है दोस्तों, परंतु दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे रेड कलर के बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उस जानकारी से सबसे पहले रूबरू हो सके। क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर प्रत्येक एग्जाम से जुड़ी प्रत्येक खबर आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए जानते हैं कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल में EWS का फ़ायदा लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए एक अलग वीडियो डिटेल में बना देंगे, क्योंकि यहाँ बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, परंतु शॉर्ट में आपको बता दूँ कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। ये सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टोटल परिवार की इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे, अतः इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है जिसकी आपको ज़रूरत है वह है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। वैसे तो जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन आरक्षण का लाभ लेने के लिए इससे आपसे इसकी मांग की जा सकती है। अब तीसरे डॉक्यूमेंट यदि देखें तो जो आपसे मांगा जाएगा वो है आपका बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का 3 महीने का स्टेटमेंट, यानी कि जो लास्ट पिछले 3 महीने उनका स्टेटमेंट मांगा जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि आपके इलाके का पटवारी चाहे तो यह आपसे मांग सकता है। अगर आप जॉब में हैं तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न की फोटोकॉपी मांगी जा सकती है। आप यदि इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप फॉर्म 16 भी दे सकते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा वो है पैन कार्ड। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पास BPL कार्ड है, यानी गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड है, तो इस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। BPL कार्ड तभी बनता है जब आपकी इनकम 40,000 से कम होती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बिना भी अगर आपके पास ये नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। दोस्तों ये एकदम मैंडेटरी है। यदि आपके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, यानी आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, और ये आजकल तो बहुत जल्दी बन के आ जाता है। दोस्तों जो सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास हों, लेकिन यदि आपके पास हैं तो और यहाँ पर आप पटवारी को या जो भी सर्टिफिकेट बना रहा है उसको दिखा देंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, वरना थोड़ा सा लेट हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं ई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा और आप ये सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये EWS का ऑफिशियल फॉर्मेट है। इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ ब्लैंक, यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बनवा रहे हैं, यदि मान लीजिए आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि आप किसी स्टेट से बनवा रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ उस स्टेट का नाम आएगा। जैसे आप राजस्थान से बनवा रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, क्योंकि नेम एड्रेस और अथॉरिटी टू बी सर्टिफाइड, कौन सी अथॉरिटी से सर्टिफाई करी उसका नेम एड्रेस आएगा। ठीक है दोस्त, इसमें आगे लिखा है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन।
तो EWS का फुल फॉर्म क्या हुआ, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से जो सेक्शन पिछड़ा है, गरीब भी कमजोर है वो। नीचे आए तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा है और किस डेट को सर्टिफिकेट बन रहा है वो लिखा है, ठीक है दोस्तों। वैलिड फॉर द ईयर, यानी कि यहाँ पे किस साल के लिए है वैलिड है वो लिखा जाएगा। नीचे आप देख पा रहे हैं कि दिस इज सर्टिफाइड एट श्री श्रीमती कुमारी, तो इसमें आपका नाम आएगा कि किसका बन रहा है, तो दिस इज सर्टिफाइड एट श्री एक्स सन ऑफ सन या डॉटर या वाइफ ऑफ, आपके मम्मी का पापा का नाम लिखा जाएगा। साथ ही पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम, देन डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी आप जिसमें रह रहे हैं वो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पिन कोड, हु फोटोग्राफ अटेस्टेड, यानी कि नीचे आपके फोटोग्राफ लगना है और वो अटेस्टेड भी होगा, बिलो बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी आप जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। सिंस द ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ हिज फैमिली इज बिलो 8 लाख, यानी आपकी जो फैमिली की जो ग्रॉस एनुअल इनकम है 8 लाख से कम है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर, किस साल के लिए, यानी कि ये सर्टिफिकेट आपको हर साल बनवाना पड़ सकता है। हिज हर फैमिली डज नॉट ऑन और पजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, दोस्तों देख रहे हैं तो आप इसमें नीचे कुछ कंडीशन भी दी हुई है कि आपके पास क्या क्या नहीं होना चाहिए। जैसे 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए, यदि म्यूनसिपलिटी में रह रहे हैं तो 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर का आपके पास प्लॉट नहीं होना चाहिए, और यदि आप किसी वाई क्लास सिटी में नगर निगम वाले एरिया में रह रहे हैं तो आपके पास जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का आपके पास फ्लैट नहीं, प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो इन सब कंडीशन इसमें रखी गई हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ नीचे आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे श्री श्रीमती कुमारी, यहाँ पे आपका नाम होगा, आपकी जाति लिखी होगी और आप जहाँ से बनवाइएगा वहाँ के अधिकारी की मोहर लगी होगी और उसका डेजिग्नेशन लिखा होगा, और आपका एक रिसेंट जो है एकदम पासपोर्ट साइज का रिसेंट फोटो भी लगेगा। अब दोस्तों मेन बात कर लेते हैं कि हमसे विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर फैमिली का मतलब क्या है, तो दोस्तों 8 लाख की जो इनकम मांगी गई है उसमें यह इनकम सैलरी से कैसे कैसे ले सकते हैं, उसमें यह इनकम हम सैलरी से, एग्रीकल्चर से, बिजनेस या प्रोफेशन से ली जा सकती है, यानी कि आपकी प्रत्येक जितने भी स्रोत हैं, आपके 3-4 स्रोत मेनली होते हैं, या तो सैलरी आती है, या फिर आप खेती करते हैं एग्रीकल्चर से, या बिजनेस करते हैं, या फिर आप कोई प्रोफेशन जैसे कि आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, उस टाइप का प्रोफेशन, तो इन आपकी मेन आय का स्रोत यही होते हैं, तो आपकी प्रत्येक आय के स्रोतों से जो टोटल ग्रॉस इनकम प्राप्त हो रही है वह 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब मेन बात है कि सैलरी जोड़े किसकी, सिर्फ अपनी या अपने मम्मी पापा की भी, या अपने भाई बहन की भी जोड़े, या अपने वाइफ की जोड़े, किस किस की सैलरी उस 8 लाख में जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेगी, फैमिली का मतलब है कि जो कैंडिडेट सर्टिफिकेट बनवा रहा है यहाँ उसका नाम होना चाहिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके मम्मी पापा की इनकम जोड़ी जाएगी, भाई बहन यदि 18 साल से ऊपर हैं तो उनकी इनकम नहीं जोड़ी जाएगी, 18 साल से नीचे हैं और किसी भी तरह कमाते हैं तो उनकी इनकम आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके मम्मी पापा की इनकम आपकी इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी क्योंकि आपकी अब फैमिली अलग है, परंतु यदि आपकी वाइफ या हस्बैंड कमाते हैं तो आपकी इनकम जोड़ी जाएगी, ठीक है। और यदि आपके बच्चे 18 साल से ऊपर है तो उनकी इनकम आपकी इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि सर्टिफिकेट आपको बनवाना कहाँ से है, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको कहाँ कहाँ किस किसके पास जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि द इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट इश्यूड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन अबव सेल ओनली बी एक्सेप्टेड एज प्रूफ ऑफ कैंडिडेट क्लेम एज बिलोंग टू EWS, यानी कि जो ऊपर जो हमने जो फॉर्मेट दिखाया है अभी उस फॉर्मेट में नीचे दिए गए इन जो भी अधिकारियों के नाम दिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं अभी, उनमें से किसी के भी पास जाकर आप उस प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में ले जाकर ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जो कि ये प्रूव करेगा कि आप EWS कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इन अधिकारी नाम दिखेगा कि आप DM से बनवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी ADM से बनवा सकते हैं, कलेक्टर से बनवा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर से बनवा सकते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ADC से बनवा सकते हैं, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, SDM से बनवा सकते हैं, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट,
और EAC एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर। तो यहाँ पे ये अधिकारी बताएंगे कि आप किन किन के पास जाके बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, इन सब से बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी तहसीलदार से नीचे का रेवेन्यू ऑफिसर रैंक, तहसीलदार की रैंक से नीचे का रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू ऑफिसर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कानून को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आपके एरिया में जो भी अधिकारी हो आप उससे सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आप अपने यहाँ तहसीलदार से बनवा सकते हैं। तहसीलदार लगो हर तहसीलदार हर तहसील में बैठता है और आसानी से उपलब्ध भी होता है, तो उससे सर्टिफिकेट बनवाना सबसे ज़्यादा आसान काम होता है। इसके अलावा आप SDO से बनवा सकते हैं, आप नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ पर एक SDO बैठता है, सब डिविजनल ऑफिसर, उससे बनवा सकते हैं। और द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली नॉर्मली रिजाइड्स, और उस एरिया में जहाँ पे उस एरिया के SDO से बनवाएंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो आपका मूल निवास स्थान है वहाँ के से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना है, उस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया। अगली वीडियो में हम देख लेंगे कि सर्टिफिकेट बनने के बाद कैसा लगता है, उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज हुई हैं, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस EWS के जो 10% आरक्षण है उसका फ़ायदा मिल सके। अगली फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।